नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को क्लिक करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए फिर से एक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये गेहूँ के आटे से बनी हुई बहुत ही रसीली मिठाई है, इसे आप गेहूँ का पीठा भी कह सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं गेहूँ के पीठे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाना है। गेहूँ का पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है गेहूँ का आटा। मैंने यहाँ अंदाजन 1 से 1.5 कप के करीब गेहूँ का आटा लिया है। इसे अच्छी तरह से छान लें ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे। अब हमें लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देना है, अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे गेहूँ का आटा और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे हम पंजीरी भूनते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे भून लेंगे इसमें, जब तक अच्छी सी भीनी सी खुशबू नहीं आ जाती है तब तक। और जैसे ही आपको लगे कि ये भून चुकी है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें और तब तक ऐड करें जब तक आपका गेहूं का आटा बिल्कुल डो की कंसिस्टेंसी का नहीं हो जाता है। और जैसे ही आपको इसकी कंसिस्टेंसी मिल जाती है, आप इसमें दूध डालना बंद कर दें, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ढक करके रख दें ठंडा होने को। लीजिए दोस्तों, हमारा डो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब घी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और 1/4 से 1/2 छोटी चम्मच के करीब इलायची पाउडर भी ऐड कर दें इसमें। मेरे ख्याल से वो क्लिप गायब हो चुकी है, तो आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और जैसे ही आपको लगे कि आपका डो चिकना हो चुका है, आप इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लें और लोइयों को अच्छी तरह से गोल करें। ध्यान रखें इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होनी चाहिए। और गोल कर लेने के बाद हमें इसके पेड़े बना लेने हैं और पेड़े के बीच में हमें हल्का सा दाब देना है। चाहे आप उंगली से करें या किसी और चीज़ से, मैं यहाँ चाकू के पीछे वाले हिस्से को यूज़ कर रही हूँ। और टूथपिक की मदद से या फिर किसी भी साफ चीज़ की मदद से आप अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। और ठीक इसी तरह हम सारा का सारा पीठा बना करके रेडी कर लेंगे। और सारा पीठा तैयार हो जाने के बाद हमें इसे तल लेना है। मैंने चूल्हे पे पहले से ही तेल चढ़ा करके रखा है। तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके हमारा पीठा ऐड कर देंगे। हम इसे मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेंगे, बिल्कुल जैसे हम गुलाब जामुन तलते हैं बिल्कुल उसी कलर का हम इसे तल करके तैयार कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा पीठा तल चुका है। अब हमें इसे तेल से बाहर निकाल लेना है। तो हम इसे तेल से एक एक करके सारे पीठे को निकालते जाएंगे। सारे के सारे पीठे तेल से बाहर निकाल लेने के बाद हमें जल्दी से इसके लिए चाशनी बना करके तैयार करनी है। क्योंकि आज मैं ग्रैन्यूलेटेड शुगर से शुगर सिरप बना रही हूँ तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप शुगर और 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसमें ऐड करें 1/4 छोटी चम्मच से 1/2 छोटी चम्मच के करीब इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद इसमें डालें केसर वाला रंग। रंग ऐड करने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी चिपचिपी नहीं हो जाती है। हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा शुगर सिरप क्रिस्टलाइज्ड हो जाए और हमारे पीठे के अंदर चाशनी ना घुस पाए। और जैसे ही आपको लगे कि चाशनी चिपचिपी हो गई है, आप इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर और 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करें। फिर से मेरा क्लिप गायब हो गया है तो मैं आपको ये नहीं दिखा पाई। और जैसे ही चाशनी तैयार हो जाती है, आप इसमें पीठा ऐड करें, गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और ऑफ़ करने के बाद इसे ढक करके सोख होने दें कम से कम 1/2 से 1 घंटे के लिए। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ 1/2 से 1 घंटे के बाद में। 1 घंटा हो चुका है, हमारा पीठा रेडी हो चुका है बन करके। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। प्लेटिंग करने के बाद आप इसे गार्निश कर सकते हैं
बारीक किसे हुए बादाम से, नारियल से या पिस्ते से। पिस्ते को आप बारीक काट लें और इसके ऊपर गार्निश करें। बादाम और पिस्ता से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार हुआ है हमारा पीठा। आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।